और अब मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा ये बेक हुआ है। तो ये देखें, ये देखें, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर से ये कुक नहीं हुआ, ये तो ये देखें कितना अच्छा ये कुक हुआ है। तो ये देखें बोटी बोटी अलहदा हो रही है। तो अब खा के भी देख लेते हैं कि कैसा है। मजे का, बहुत टेस्टी है, बहुत ज्यादा गल चुका हुआ है, बहुत मजे का है। Assalamualaikum, welcome to किचन विद आमना.com। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन बन रहा है कश्मीरी चरगा, जिसे हम तंदूरी चिकन भी कह सकते हैं। तो वो हम बनाएंगे विदाउट ओवन, और ना तो हम इसे ओवन में बनाएंगे और ना तो हम इसे तंदूर में, इसे हम बनाएंगे पतीले में। तो तंदूरी चिकन तैयार करने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, तो हमने ये जो तंदूरी चिकन बनाना है इसे हमने दो मरतबा मैरिनेट करना है। तो फर्स्ट मैरिनेट हम करेंगे, तो उसके लिए हमें चीजें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे फुल चिकन लिया जिसको मैंने कट्स लगवा लिए हैं। चाट मसाला लेंगे 1 टीस्पून, काला नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, सफेद नमक लेंगे 1/2 टीस्पून, सफेद मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे 1 टेबलस्पून भर के, और ऑयल लेंगे हम 2 टेबलस्पून। तो ये चिकन 1.5 किलो के करीब है। तो अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। बोल में चिकन डालेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, काला नमक, सफेद मिर्च का पाउडर, अगर नहीं है तो मत डालें, चाट मसाला। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो मसाला सारा अच्छे से लगा लिया, अब इसमें ऑयल डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फर्स्ट मैरिनेट हमने कर लिया, अब सेकंड मैरिनेट की हम तैयारी करते हैं और इसे हम साइड पे करते हैं। तो अब हमने दूसरी मरतबा चिकन को मैरिनेट करना है, तो उसके लिए हमें चीजें चाहिए। दही लिए हमने 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबलस्पून, 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने बहुत ही बारीक काट ली है, कसूरी मेथी ली है 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, अगर नहीं है तो मत लें, वैसे ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर मस्ट है क्योंकि ये कश्मीरी तंदूरी चिकन है। धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, जीरा पाउडर लिया है 1 टीस्पून, चाट मसाला लिया है 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, नमक लिया है 1 टीस्पून, काला नमक लिया है हमने 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और चुटकी भर हमने लिया है रेड फूड कलर, क्योंकि तंदूरी कलर हमें चाहिए तो इसलिए हमने रेड फूड कलर लिया है, और ऑयल लेंगे हम 2 टेबलस्पून। तो ये चीजें चाहिए हमें मैरिनेट करने के लिए। तो सबसे पहले एक बोल लेंगे, उसमें दही डाल देंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, कटी हुई हरी मिर्चें, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, काला नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, चाट मसाला, कसूरी मेथी, रेड फूड कलर। अब इसे मिक्स कर लेंगे। और साथ इसमें ऑयल डाल देंगे, मिक्स करेंगे। मिक्स हो गया, अब इसे हम चिकन पे लगा देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मसाज कर लेंगे। तो सारा मसाला हमने अच्छे से लगा लिया, अब इसे हम कवर करके रख देंगे 1 दिन के लिए। 1 दिन के बाद हम इसे बेक करेंगे। तो प्लास्टिक रैप से कवर कर दूंगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी भी कैप से कवर कर सकते हैं। और मैं इसे फ्रिज में रख दूंगी। चिकन को मैंने फ्रिज से निकाल लिया और इसे 1 घंटा मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा है। अब इसे हम बेक करेंगे, वो भी पतीले में। तो सबसे पहले हम पतीलों को प्रीहीट कर लेंगे। पतीले को प्रीहीट करने से पहले हम एक ट्रे ले लेंगे, आपके पास घर में कोई भी ट्रे हो आप ले सकते हैं। तो इस पे हम ऑयल लगाएंगे, हाथ से ऑयल लगा लेंगे, और इसको भी हम पतीले में रख देंगे गर्म होने के लिए। तो एक पतीला ले लेंगे, सेम वैसे ही जैसे हम बेकिंग करते हैं वैसे ही हमने इसे बेक करना है। नमक भी छाल लिया, जाली स्टैंड रख लिया, अगर जाली स्टैंड नहीं है तो कोई सा भी स्टील का बर्तन रख लें।
तो अब ये ट्रे हम इसमें डाल देंगे ग्रीस की हुई ऑयल से और इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे सिर्फ 5 मिनट के लिए। अच्छी तरह से पतीला हमारा गर्म होना चाहिए, धुआं निकलना चाहिए। तो पतीला हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे, निकाल के ट्रे में रख देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और कवर कर देंगे। तो अब इसे हम बेक कर लेंगे 2 घंटे के लिए, लेकिन 1 घंटे के बाद मैं इसकी साइड चेंज करूंगी। तो फ्लेम हम रखेंगे मीडियम टू लो। 2 घंटे हो चुके हैं, चिकन हमारा बेक हो चुका है, इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए बेक हो चुका है, मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था और अब इसे हम निकाल लेंगे, डिश में निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारा मजे का विदाउट ओवन पतीले में मजे का कश्मीरी तंदूरी चिकन। तो यकीनन आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताना। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा ये बेक हुआ है। तो ये देखें, ये देखें, आप लोग सोच रहे होंगे कि ऊपर से ये कुक नहीं हुआ, ये तो ये देखें कितना अच्छा ये कुक हुआ है। तो ये देखें बोटी बोटी के डाडा हो रही है। तो अब खा के भी देख लेते हैं कि कैसा है। मजे का, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा गल चुका हुआ है, बहुत मज़े का है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और इस बटन पर क्लिक करके किचन विद आमना चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो लाइफ विद आमना में जाकर उसे सब्सक्राइब करें इस बटन पर क्लिक करके, और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।